जन्माष्टमी कब है, कल या परसों, 6 या 7 सितंबर को? तो आखिरकार यह असमंजस अब खत्म हो गया, कंफ्यूजन दूर हुआ। मथुरा और वृंदावन में इस दिन मनाई जाएगी जन्माष्टमी, और आप भी अपने घर पर उसी के हिसाब से जन्माष्टमी का त्योहार मना सकते हैं। माताएं बहनें उसी दिन व्रत कर सकती हैं, है ना। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस साल जन्माष्टमी की तारीख को लेकर जो ये बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। कोई पंचांग तो कह रहे 6 सितंबर को मनाई जाएगी, कोई पंचांग कह रहे 7 सितंबर को मनाई जाएगी। ऐसे में आखिर जन्माष्टमी की भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव मनाने की सही तिथि इस बार क्या है? तो वैसे इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तो 6 सितंबर को दोपहर 3:38 से आरंभ होगी, और इसका समापन 7 सितंबर को शाम के समय 4:14 पर होगा, है ना। ये तो अष्टमी तिथि रहेगी। अब ये दोनों दिन पड़ रही है, इसीलिए तो ये कंफ्यूजन बन रहा है कि किस दिन मनाएं। खैर, मैं आपको बताऊंगा सही तारीख कब तय की गई है महान ज्योतिषाचार्यों और वृंदावन के पंडितों द्वारा। लेकिन इससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जन्माष्टमी पर मोर पंख आप अपने घर पर जरूर रखें, और मोर पंख से जुड़े कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें कर सकते हैं आप अपने घर में। आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं तो उन्हें दूर करने के लिए, अगर रुपये पैसों की कमी है, आर्थिक परेशानी है, घर में कर्ज है, लोन है, तो उससे मुक्ति छुटकारा पाने के लिए भी आप मोर पंख से जुड़ा जन्माष्टमी पर ये उपाय जरूर करें, क्योंकि मोर पंख को बहुत ही शुभ माना जाता है। कई लोग तो इसे वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार अपने घरों में भी लगाते हैं। आइए ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जन्माष्टमी पर मोर पंख से जुड़े कुछ उपाय देखते हैं। मोर पंख घर में लाने मात्र से परिवार में एकता और समरसता की भावना बढ़ती है। अगर आप में आर्थिक परेशानी है, घर में रुपये पैसों की कमी है, तो ध्यान रहे जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय 5 मोर पंख अपने साथ अवश्य रखें, और फिर उसे 21 दिनों तक वहीं पूजा स्थल पर ही छोड़ दें उन 5 मोर पंख को। आप खुद ये देखोगे और पाओगे कि 21 दिन के अंदर चमत्कार हो गया घर में। 21 दिन बाद उन 5 मोर पंखों को एक लाल कपड़े में बांधकर आपकी पूजा स्थल के पास ही रख दें। अगर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, आए दिन पति पत्नी के बीच मनमुटाव होता रहता है, तो जन्माष्टमी के दिन पति पत्नी अपने बेडरूम में मोर पंख जरूर लगाएं। इस मोर पंख को पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं, इससे पति पत्नी के जीवन में मिठास घुलने लगेगी। अगर घर में आए दिन कोई बीमार रहते हैं, नकारात्मकता बनी हुई है, घर परिवार के दूसरे सदस्यों में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जन्माष्टमी वाले दिन भगवान कृष्ण का पूजन करने के साथ मोर पंख को भी पूजें, बहुत ही शुभ माना जाता है, है ना। तो दोस्तों ये तो मोरपंख से जुड़े कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय थे जो आपको जरूर जानने मिले होंगे। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, 6 या 7 तारीख को? तो 6 और 7 तारीख दोनों के बीच अष्टमी तिथि मिल रही है, और दोनों के ही जो बीच की रात होगी उस रात में रोहिणी नक्षत्र भी पूरी रात मौजूद रहेगा, विद्यमान रहेगा। ऐसे में ज्योतिषविदों के माने तो इस साल गृहस्थ लोग 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। अलग अलग हिसाब से मतलब ज्योतिषविदों का ये अलग अलग मानना है। जन्माष्टमी की पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त भी 6 सितंबर को रात 11:56 से लेकर रात 12:42 तक रहेगा, है ना। तो आम आदमी, घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ आदमी जो है, वो 6 और 7 सितंबर की रात में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें और जन्माष्टमी का पर्व मनाएं तो बेहतर होगा। हालांकि इस बार जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर दोनों दिन रहने वाली है। कृष्ण जन्म के ज्योतिषीय योग 6 की रात में मिल रहे हैं, लेकिन द्वारिका, मथुरा और श्रीनाथ जी में 7 तारीख को मनेगा कृष्ण जन्मोत्सव, है ना। तो देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिसाब से मनाया जा रहा है। आप भी अपनी श्रद्धा अनुसार 6 या 7 तारीख किसी को भी मना सकते हैं, दोनों ही दिन मान्य होंगे। भगवान श्री कृष्ण की कान्हा की कृपा आशीर्वाद आपकी जिंदगी पर उतना ही बनेगा चाहे आप किसी ही दिन मनाओ, निर्भर करता है आपकी श्रद्धा पर, आपकी भक्ति पर। जय श्री कृष्णाय नमः। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा राधे राधे।